भारत माता की धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी, मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी, केंद्र सरकार के मेरे सहयोगी मंत्री अर्जुन मुंडा जी, अन्नपूर्णा देवी जी, हम सबके वरिष्ठ मार्गदर्शक श्रीमान करिया मुंडा जी, मेरे परम मित्र बाबूलाल मरांडी जी, अन्य महानुभाव और झारखंड के मेरे प्रिय परिवारजन, आप सभी को जोहार। आज का दिन सौभाग्य से भरा हुआ है। मैं कुछ देर पहले ही भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातु से लौटा हूं। उनके परिजनों से भी बड़ी सुखद मुलाकात हुई है और उस पवित्र माटी को माथे पर चढ़ाने का एक परम सौभाग्य मुझे मिला है। मुझे भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क और फ्रीडम फाइटर म्यूजियम देखने का भी अवसर मिला है। दो साल पहले आज के ही दिन मुझे ये म्यूजियम देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिला था। मैं सभी देशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और देश के सैकड़ों स्थानों पर देश के सभी वरिष्ठ जन आज झारखंड का स्थापना दिवस भी मना रहे हैं। अटल जी के प्रयास से ही इस राज्य का गठन हुआ था। देश को विशेषकर झारखंड को अभी 50,000 करोड़ रुपए की अलग अलग योजनाओं का उपहार मिला है। आज झारखंड में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विस्तार के तहत कई रेल परियोजनाओं को शुरू किया गया है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि झारखंड भी देश के 100% इलेक्ट्रिफाइड रेल रूट वाला राज्य बन गया है। इन परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी मेरे झारखंड वासियों को बहुत सारी बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, जनजातीय गौरव और संघर्ष के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की गाथा हर देशवासी को प्रेरणा से भर देती है। झारखंड का कोना कोना ऐसे ही महान विभूतियों को उनके हौसलों और अनथक प्रयासों से जुड़ा है। तिलका मांझी, सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो जानो, नीलांबर, पीतांबर, जत्राताना भगत और अल्बर्ट एक्का जैसे अनेक वीरों ने इस धरती का गौरव बढ़ाया है। अगर हम आजादी के आंदोलन को देखें तो देश का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां आदिवासी योद्धाओं ने मोर्चा नहीं लिया हो। मानगढ़ धाम में गोविंद गुरु के योगदान को कौन भूल सकता है। मध्य प्रदेश के तंत्या भील भीमा नायक, छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर,
मणिपुर की रानी गाइडिल्यो, तेलंगाना के वीर रामजी गोंड, आदिवासियों को प्रेरित करने वाले आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू, गोंड प्रदेश की रानी दुर्गावती, ये वो विभूतियां हैं जिनका देश आज भी ऋणी है। ये देश का दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद ऐसे वीरों के साथ न्याय नहीं हुआ। मुझे संतोष है कि आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव के दौरान हमने ऐसे वीर वीरांगनाओं को याद किया, उनकी स्मृतियों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया। साथियों, झारखंड आना मुझे पुरानी स्मृतियों को ताजा करने का अवसर भी देता है। गरीबों की सबसे बड़ी ताकत आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत झारखंड से ही हुई थी। कुछ ही साल पहले खूंटी में मैंने सोलर पावर से चलने वाले जिला न्यायालय का उद्घाटन किया था। अब आज झारखंड की इस पावन भूमि से एक नहीं बल्कि दो दो ऐतिहासिक अभियानों की शुरुआत होने जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान विलुप्त होने की कगार पर खड़ी जनजातियां, जिसे हम अब तक प्रिमिटिव ट्राइब के रूप में जानते हैं, उनकी रक्षा करेगा, उन्हें सशक्त करेगा। ये दोनों ही अभियान अमृत काल में भारत की विकास यात्रा को नई ऊर्जा देंगे। मेरे परिवारजनों, मुझे सरकार के मुखिया के तौर पर, हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर अब 2 दशक से भी ज्यादा समय बीत गया है। देशवासियों की आकांक्षाओं को जानने का, समझने का मुझे बहुत करीबी से मौका मिला है। अपने उन अनुभवों के आधार पर मैं आज एक अमृत मंत्र आपके सामने रख रहा हूं और भगवान बिरसा मुंडा की धरती से रख रहा हूं। अगले 25 वर्षों के अमृत काल में अगर हमें विकसित भारत की भव्य और दिव्य इमारत का निर्माण करना है तो हमें उसके 4 अमृत स्तंभों को और मजबूत करना होगा, निरंतर मजबूत करना होगा। हमारी सरकार ने जितना 10 साल में किया, अब उससे भी ज्यादा ऊर्जा के साथ हमें इन 4 अमृत स्तंभों पर अपनी पूरी ताकत लगानी है। और विकसित भारत के 4 अमृत स्तंभ मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 4 अमृत स्तंभ है क्या? पहला अमृत स्तंभ, भारत की हमारी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें, हमारी नारी शक्ति। दूसरा अमृत स्तंभ है हमारे भारत के किसान भाई बहन और किसानी से जुड़े हुए जो कारोबार है, चाहे पशुपालक हो, चाहे मछली पालक हो, ये सारे हमारे अन्नदाता। तीसरा अमृत स्तंभ, भारत के नौजवान, हमारे देश की युवा शक्ति, जो आने वाले 25 साल में देश को नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाली
सबसे बड़ी शक्ति है। और चौथा अमृत स्तंभ भारत का मध्यम वर्ग, नियो मिडिल क्लास और भारत के मेरे गरीब भाई बहन, इन चार स्तंभों को हम जितना मजबूत करेंगे, विकसित भारत की इमारत भी उतनी ही ऊंची उठेगी। मुझे संतोष है कि बीते 10 वर्षों में इन चार स्तंभों को सशक्त करने के लिए जितना कार्य हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। साथियों, आज तक और आजकल हर तरफ भारत की इस सफलता की चर्चा है कि हमारी सरकार के 5 वर्षों में 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। आखिर बीते कुछ वर्षों में ऐसा क्या हुआ जो इतना बड़ा परिवर्तन जमीन पर देखने को मिला है? 2014 में जब हमें आप सब ने दिल्ली की गादी पर बिठाया, सरकार चलाने का दायित्व दिया, उस दिन से हमारा सेवा काल शुरू हुआ है। हम सेवा करने के लिए आए हैं। और उस सेवा काल की बात करूं तब, उस समय हमारे आने से पहले भारत की एक बहुत बड़ी आबादी मूलभूत सुविधाओं से वंचित थी। देश के करोड़ों गरीबों ने इस बात की उम्मीद भी छोड़ दी थी कि कभी उनका जीवन बदल पाएगा। और सरकारों का रवैया भी ऐसा था कि वो खुद को जनता का माई बाप समझती थी। हमने माई बाप की भावना से नहीं बल्कि सेवक की भावना से आपके सेवक की तरह काम करना शुरू किया। जो वंचित थे हमने उन्हें वरीयता देना शुरू किया। जिन्हें सबसे दूर समझा जाता था सरकार खुद चलकर उनके पास गई। जो दशकों से उपेक्षित थे हमारी सरकार उनका संबल बनी, उनकी साथी बनी। ब्यूरोक्रेसी वही थी, लोग वही थे, फाइलें भी वही थे, कानून नियम भी वही थे, लेकिन सोच बदली। और सोच बदली तो परिणाम भी बदल गए। 2014 से पहले देश के गांवों में स्वच्छता का दायरा 40% से भी कम था। आज हम 100% के लक्ष्य पर पहुंच रहे हैं। हमारी सरकार से पहले LPG कनेक्शन सिर्फ 50-55% घरों में था, आज करीब करीब 100% घरों में महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिल चुकी है। पहले देश के सिर्फ 55% बच्चों को ही जीवन रक्षक टीके लग पाते थे, आधे बच्चे रह जाते थे। आज लगभग 100% बच्चों का टीकाकरण हो पा रहा है। आजादी के बाद 7 दशकों में देश के सिर्फ
17% ग्रामीण परिवारों तक नल से जल की सुविधा थी, 20% भी नहीं। जल जीवन मिशन की वजह से आज ये भी 70% तक पहुंच रहा है। और साथियों, हम आप जानते हैं कि समाज में जिनको उस समय मिला था वो कौन थे, ये शुरुआती मलाई मिली वो लोग कौन थे, ये सारे रसूखदार लोग हुआ करते थे, जो संपन्न लोग होते थे, जिनकी सरकार में पहुंच होती थी, पहचान होती थी, वो सुविधाएं और व्यवस्थाएं आसानी से जुटाते थे और सरकार का भी मानना दिमाग ऐसा था उन्हीं को ज्यादा देते थे। लेकिन जो लोग समाज में पीछे रहे थे, जो मूल सुविधाओं से वंचित थे, उन पर ध्यान देने वाला भी कोई नहीं था। वो असुविधाओं के बीच अपना जीवन काट रहे थे। मोदी ने समाज के ऐसे वंचितों को अपनी प्राथमिकता बनाया, क्योंकि वो लोग हैं जिनके बीच में जिया हूं। मैंने कभी ऐसे परिवारों की रोटी खाई है, मैंने कभी समाज के आखिरी व्यक्ति का नमक खाया है। मैं आज भगवान बिरसा मुंडा की इस धरती पर वो कर्ज चुकाने आया हूं। मेरे परिवारजनों, आमतौर पर सरकारों का रवैया रहता है कि जो आसानी से हासिल हो जाए उस लक्ष्य को पहले प्राप्त करो, लेकिन हमने दूसरी रणनीति पर काम किया। मैं तो ज्ञानियों को कहूंगा इसका अध्ययन करें। आपको याद होगा, आजादी के इतने दशकों के बाद भी 18,000 गांव ऐसे रह गए थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी। 18वीं शताब्दी में जीने के लिए, अंधेरे में जीने के लिए मजबूर थे। उन्हें अंधेरे में जीने के लिए छोड़ दिया गया था, क्योंकि वहां बिजली पहुंचाने के लिए कई तरह की मुश्किलों का सामना, कठिन था मैं मानता हूं, लेकिन कठिन था तभी तो करना होता है। मक्खन पे लकीर तो हर कोई करता है, अरे पत्थर पर भी तो लकीर करनी चाहिए। और मैंने लाल किले से वादा किया था देश को कि मैं 1000 दिन में 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाने का कठिन संकल्प मैंने सार्वजनिक रूप से लिया था। और आज मुझे सर झुका करके कहना है कि ये आपके सेवक ने उस काम को समय पर पूरा कर दिया था। साथियों, हमारे देश में 110 से ज्यादा जिले ऐसे थे जो विकास के हर पैरामीटर पर पिछड़े हुए थे, बहुत पीछे थे। इन जिलों पर पुरानी सरकारों ने थप्पा लगा दिया, ये तो पिछड़े हैं, और पहले की सरकारें बस उसकी पहचान कर ली, ये बेकार है, पिछड़े हैं, आगे कुछ नहीं हो सकता है, और सरकार सोती रही। इन जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं दशकों से दयनीय स्थिति में थी,
और संयोग देखिए कि इन्हीं पिछड़े जिलों में देश की सबसे ज्यादा मेरे आदिवासी परिवारों की जनसंख्या रहती थी। जब अफसरों को पनिशमेंट पोस्टिंग करनी होती थी तो इन्हीं जिलों में भेज दिया जाता था। थका हुआ, हारा हुआ, नाकाम जो व्यक्ति है उसी को कहते जाओ यार तुम उधर रहो, तुम्हारा इधर काम नहीं है। अब वो जाके क्या करेगा? इन 110 से ज्यादा जिलों को अपने हाल पर छोड़कर भारत कभी विकसित नहीं हो सकता था। इसलिए वंचितों को वरीयता के सिद्धांत पर चलते हुए हमारी सरकार ने इन जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी जिलों के रूप में घोषित किया। हमने इन जिलों में सरकारों को विश्वास में लेकर के सबसे होनहार अफसरों को नियुक्त करने पर जोर दिया। जिन जिलों में हम शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क ऐसे अनेक विषयों पर शून्य से काम शुरू करके सफलता के नए शिखर पर पहुंच रहे हैं, यहां झारखंड में भी ये अपना खूंटी समेत ऐसे कई जिले उस सूची में है। अब आकांक्षी जिला अभियान की सफलता को आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के जरिए इसका विस्तार किया जा रहा है। मेरे परिवारजनों, दशकों तक हमारे देश में सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और सेक्युलरिज्म न जाने रोज सुबह शाम इसके गीत तो बहुत गाए, बयानबाजी बहुत होती रही। सच्चा सेक्युलरिज्म तभी आता है जब देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव की सारी संभावनाएं खत्म हो जाए। सामाजिक न्याय का भरोसा तभी मिलता है जब सबको बराबरी से, समान भावना से सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। दुर्भाग्य से आज भी बहुत से राज्यों में कई गरीब हैं जिनके पास योजनाओं की पर्याप्त जानकारी नहीं है। कई ऐसे भी गरीब हैं जो योजनाओं का लाभ लेने के लिए भाग दौड़ करने में सक्षम नहीं है। आखिर कब तक हम उन्हें उनके हाल पर छोड़े रहेंगे? इसी दर्द में से, इसी पीड़ा में से, इसी संवेदना में से ये एक सोच निर्माण हुई है और इसी सोच के साथ अब आज से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हो रही है। ये यात्रा आज 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती 15 नवंबर से शुरू करके अगले साल 26 जनवरी को तक उसको चलाया जाएगा। इस यात्रा में सरकार मिशन मोड में देश के गांव गांव जाएगी, हर गरीब, हर वंचित को सरकारी योजनाओं का जो हकदार है उसके हक के लिए उसको लाभार्थी बनाया जाएगा, उसको इस योजना पहुंचे उसकी व्यवस्था की जाएगी। और आपको याद होगा, मेरे मीडिया के कुछ मित्रों को मालूम नहीं रहता है, 2018 में भी मैंने एक प्रयोग किया था। केंद्र सरकार ने ऐसे ही एक ग्राम स्वराज अभियान चलाया था और मैंने भारत सरकार के 1000 अफसरों को गांवों में भेजा था, एयर कंडीशन कमरों से निकाल करके 1000 अफसर गांवों में जाकर के बैठे थे। इस अभियान में भी
हम 7 प्रमुख योजनाओं को लेकर हर गांव तक गए थे। मुझे विश्वास है कि ग्राम स्वराज अभियान की तरह ही हमें विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी हर गांव जाकर के ऐसे हर हकदार को मिलकर के इस योजना को सफल करने का प्रण लेकर के निकलना है। और जब भगवान बिरसा की धरती से निकलते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। मैं वो दिन देख रहा हूं जब हर गरीब के पास मुफ्त राशन देने वाला राशन कार्ड होगा, जब हर गरीब के पास उज्ज्वला का गैस कनेक्शन होगा, सौभाग्य का बिजली कनेक्शन होगा और नल से जल होगा। मैं वो दिन देख रहा हूं जब हर गरीब के पास 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाला आयुष्मान कार्ड होगा, जब हर गरीब के पास उसका अपना पक्का घर होगा। मैं वो दिन देख रहा हूं जब हर किसान केंद्र सरकार की पेंशन योजना से जुड़ जाएगा, जब हर मजदूर पेंशन योजनाओं का लाभार्थी हो जाएगा, जब हर पात्र नौजवान मुद्रा योजना का लाभ ले सकेगा और एक एंटरप्रेन्योर बनने की दिशा में कदम रखेगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक तरह से देश के गरीबों को, देश की माताओं बहनों को, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को मोदी की गारंटी है। और जब मोदी की गारंटी होती है ना, तो आप जानते हो गारंटी क्या होती है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत के संकल्प का एक प्रमुख आधार है पीएम जनमन, यानी पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। सामाजिक न्याय जनरल बातें हुई, मोदी हिम्मत करके निकला है आदिवासी न्याय अभियान को लेकर के। आजादी के बाद कई दशकों तक आदिवासी समाज को लगातार नजरअंदाज किया गया। मैं अटल जी की सरकार थी जिसने आदिवासी समाज के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग से बजट बनाया। हमारी सरकार के दौरान अब आदिवासी कल्याण का बजट पहले के मुकाबले 6 गुना तक बढ़ चुका है। पीएम जनमन योजना का नाम रखा है पीएम जनमन। पीएम जनमन यानी पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इसके तहत अब हमारी सरकार उन आदिवासी भाई बहनों तक पहुंचेगी जिन तक अभी नहीं पहुंचा गया। ये वो जनजातीय समूह है, हमने कह तो दिया वो प्रिमिटिव ट्राइब्स है, जिनमें से ज्यादातर अब भी जंगलों में रहने के लिए मजबूर है। उन्होंने रेल की देखने की बात छोड़ो आवाज भी नहीं सुनी है। देश के 22,000 से ज्यादा गांवों में रह रहे ऐसे 75 जनजातियां, वो 75 जनजातीय समुदाय की, प्रिमिटिव ट्राइब्स की पहचान हमारी सरकार ने की है। जैसे पिछड़ों में भी अति पिछड़े होते हैं, वैसे ही ये आदिवासियों में भी सबसे पीछे रह गए आदिवासी है।
देश में इनकी संख्या लाखों में है। इन सबसे पिछड़े आदिवासियों को मूल सुविधाएं भी नहीं मिली है, आजादी के 75 साल के बाद भी नहीं मिली है। इस आदिवासी समाज के लोगों को कभी पक्का मकान नहीं मिला। इनकी कई कई पीढ़ियां में बच्चों ने स्कूल तक देखा नहीं है। इस समाज के लोगों के कौशल विकास पर ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए अब इन जनजातियों तक भारत सरकार विशेष अभियान चलाकर पहुंचने वाली है। पहले की सरकारों ने आंकड़ों को जोड़ने का काम कर लिया, जो नजदीक है, जो ऊपर पहुंच चुके हैं उन्हीं से काम करवा लेना, लेकिन मुझे सिर्फ आंकड़ों को जोड़ करके नहीं बैठना है, मुझे तो जीवन को जोड़ना है, जिंदगियों को जोड़ना है। हर जिंदगी में जान भरनी है, हर जिंदगी में नया जज्बा भरना है। इसी लक्ष्य के साथ आज पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन, हम जनगण मन तो गाते हैं, आज मैं पीएम जनमन के साथ इस महाअभियान की शुरुआत हो रही है। इस महाअभियान पर भारत सरकार 24,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। साथियों, इस महाअभियान के लिए मैं विशेष तौर पर आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमने अभी उनका वीडियो संदेश भी सुना है। जब वो यहां झारखंड में राज्यपाल थी और उससे पहले जब ओडिशा में भी वो मंत्री के रूप में काम करती थी, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करती थी, तो ऐसे आखिरी छोर पर रहने वाले आदिवासी समूहों को आगे लाने के लिए वो दिन रात प्रयास करती रहती थी। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो राष्ट्रपति भवन में ऐसे समूहों को सम्मान के साथ बुलाती रही, उनकी समस्याओं को समझ करके उसके उपाय की चर्चा करती रही। मुझे विश्वास है कि उन्होंने हमें जो मार्गदर्शन दिया है, उन्होंने हमें जो प्रेरणा दी है, उनकी इस प्रेरणा से हम ये पीएम जनमन, पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान में जरूर सफल होंगे। मेरे परिवारजनों, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी विमेन लेड डेवलपमेंट का भी प्रेरक प्रतीक है। बीते वर्षों में जिस तरह भारत ने पूरी दुनिया को नारी शक्ति के विकास का मार्ग दिखाया है, वह अभूतपूर्व है। ये वर्ष माताओं, बहनों, बेटियों की सुविधा, सुरक्षा, सम्मान, स्वास्थ्य और स्वरोजगार के रहे हैं। ये हमारे झारखंड की बेटियां खेलकूद में जो नाम कमा रही है ना, सीना चौड़ा हो जाता है। हमारी सरकार ने महिलाओं के जीवन के हर पड़ाव को ध्यान में रखते हुए उनके लिए योजनाएं बनाई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से बेटियों की जनसंख्या बढ़ी है और स्कूलों में छात्राओं के नामांकन में भी वृद्धि हुई है। सरकारी स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय निर्माण से स्कूल छोड़ने की मजबूरी कम हुई है। पीएम आवास योजना के तहत करोड़ों घर मालकिन बहनें बनी है, बहनों के नाम रजिस्टर हुआ है, पहली बार उनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी हुई है। सैनिक स्कूल डिफेंस एकेडमी को बेटियों के एडमिशन के लिए पहली बार खोल दिया गया है। मुद्रा योजना के तहत
लगभग 70% बिना गारंटी के ऋण लेने वाली मेरे देश की महिलाएं हैं, मेरी बेटियां हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों को भी आज सरकार से रिकॉर्ड आर्थिक मदद दी जा रही है और लखपति दीदी अभियान, कुछ लोगों को मेरी बातें सुनकर के चक्कर आ जाते हैं। मेरा सपना है 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बना के रहूंगा, 2 करोड़ महिलाओं को। स्वयं समाज सहायता समूह चलाने वाली 2 करोड़ महिलाएं लखपति बन के रहने वाली है, देख लेना। कुछ महीने पहले ही हमारी सरकार ने विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण देने वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी अपनाया है। आज भाई दूज का पवित्र पर्व है। देश की सभी बहनों को उनका ये भाई गारंटी देता है कि बहनों के विकास में आने वाली हर रुकावट को ये आपका भाई ऐसे ही दूर करता रहेगा। आपका भाई आपकी मुसीबतों की मुक्ति के लिए जी जान से जुटा रहेगा। नारी शक्ति का अमृत स्तंभ विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा। मेरे परिवारजनों, केंद्र सरकार विकसित भारत की यात्रा में हर व्यक्ति के सामर्थ्य का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। 2 महीने पहले ही हमने पीएम विश्वकर्मा योजना भी शुरू की है। सरकार ने उन लोगों को आगे लाने का प्रयास किया है जो अपने पारंपरिक कौशल के लिए जाने जाते हैं। कुम्हार हो, लोहार हो, सुतार हो, सुनार हो, मालाकार हो, राजमिस्त्री हो, बढ़ई हो, अरे कपड़े धोने वाले हो, कपड़े सिलने वाले हो, जूते बनाने वाले हो, ऐसे हमारे साथी, ये हमारे विश्वकर्मा साथी इस योजना के तहत विश्वकर्मा साथियों को आधुनिक ट्रेनिंग मिलेगी और ट्रेनिंग के दौरान उनको पैसा मिलेगा, उनको अच्छे नए औजार मिलेंगे, नई टेक्नोलॉजी मिलेगी और इस पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मेरे परिवारजनों, आज देश के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त रिलीज की गई है। अब देश के करोड़ों किसानों के खातों में भेजी गई कुल रकम 2,75,000 करोड़ रुपए को पार कर गई है। आप में से जो किसान यहां बैठे होंगे उनके मोबाइल पर मैसेज आ चुका होगा कि 2,000 रुपया आपके खाते में जमा हो गया है। कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, डायरेक्ट मोदी का सीधा नाता रहता है आपके साथ। ये वही किसान है जिनकी पहले कोई पूछ नहीं होती थी। अब इन किसानों की जरूरतों का ध्यान सरकार रख रही है। ये हमारी सरकार है जिसने पशुपालकों और मछली पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा है। पशुधन के मुफ्त टीकाकरण की हमारी सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए। कोरोना के बाद आपको मुफ्त टीका लगा, 1,000 करोड़ खर्च किए गए, आपके हर परिवारजन को बचाने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, अब 15,000 करोड़ रुपया खर्च करके मुफ्त में पशु का टीकाकरण भी हो रहा है, आप भी इसका फायदा उठाइए। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए अभी मैं यहां एक प्रदर्शनी लगी है, 1-1.5 लाख रुपए वो मछली और उसमें से मोती बनाने का काम कर रहे हैं। मत्स्य संपदा योजना के तहत आर्थिक मदद दी जा रही है। आज देश में 10,000 नए किसान उत्पाद संघ एफपीओ बन रहे हैं। इससे किसानों की लागत कम हुई है और बाजार तक पहुंच आसान हुई है। हमारी सरकार के प्रयासों से इस वर्ष इंटरनेशनल मिलेट ईयर मनाया जा रहा है। मोटे अनाज को श्री अन्न की पहचान देकर विदेश के बाजारों तक पहुंचाने के लिए पूरी तैयारी हो रही है। इसका भी लाभ
हमारे आदिवासी भाई बहनों को होगा। साथियों, सरकार के इन चौतरफा प्रयासों से झारखंड जैसे राज्यों में नक्सली हिंसा में भी कमी आई है। एक दो साल में झारखंड की स्थापना के 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। ये झारखंड के लिए बहुत ही प्रेरणादायी समय है। इस माइलस्टोन पर झारखंड में 25 योजनाओं के सैचुरेशन का लक्ष्य लेकर काम शुरू किया जा सकता है। मैं झारखंड सरकार से भी आग्रह करूंगा, मैं झारखंड के सभी नेताओं से आग्रह करूंगा कि 25 साल का लक्ष्य तय करके एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाए। इससे राज्य के विकास को नई गति मिलेगी और यहाँ के लोगों का जीवन भी और आसान बनेगा। हमारी सरकार शिक्षा के विस्तार और युवाओं के अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। देश में आज आधुनिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है। अब विद्यार्थियों को मातृभाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई का विकल्प मिल रहा है। बीते 9 वर्षों में पूरे देश में 300 से अधिक यूनिवर्सिटीज बनी है। 5,500 से अधिक नए कॉलेज बने हैं। डिजिटल निजी अभियान ने युवाओं को नए अवसर दिए हैं। गांव गांव कॉमन सर्विस सेंटर्स में हजारों युवाओं को रोजगार मिला है। 1,00,000 से अधिक स्टार्टअप के साथ दुनिया का तीसरा बड़ा इकोसिस्टम भारत में बना है। आज रांची में IIM कैंपस और IIT ISM, धनबाद में नए हॉस्टल का भी लोकार्पण हुआ है। साथियों, अमृत काल में 4 अमृत स्तंभ हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारी कृषि शक्ति और हमारे गरीब और मध्यम वर्ग की सामर्थ्य शक्ति भारत को निश्चित ही नई ऊंचाई पर ले जाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे। मैं इन परियोजनाओं के लिए, राष्ट्र निर्माण के इस अभियानों के लिए एक बार फिर आप सबको निमंत्रण भी देता हूं, आप सबको बधाई भी देता हूं। मेरे साथ मैं कहूंगा भगवान बिरसा मुंडा, आप कहिए अमर रहे अमर रहे। भगवान बिरसा मुंडा, अमर रहे अमर रहे। भगवान बिरसा मुंडा, दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा। आपका